अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहां आरास किचन। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बिना फ्रीज में रखे ड्राई नट्स को आप महीनों भर के लिए किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, ना तो इसमें कीड़े लगेंगे और ना ही चींटी और ना ही ये बहुत जल्द ख़राब होगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सारे ड्राई नट्स को पैकेट से बाहर निकाल लेते हैं एक प्लेट पर। मैंने यहाँ पर काजू, बादाम और रोस्टेड पिस्ता लिया हुआ है। रोस्टेड पिस्ता स्टोर करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, एक एयरटाइट कंटेनर ले लीजिए, उस पर आप इसे रख लें। और अगर आप इसे एयरटाइट कंटेनर में नहीं रखेंगे तो ये बहुत जल्द नरम हो जाता है, क्रंची नहीं रहता है। तो इसे आप एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं महीनों भर के लिए, क्योंकि इसमें सॉल्ट पहले से ही ऐड है, ख़राब नहीं होगा। तो उसी तरह से हम काजू और बादाम किस तरह से स्टोर करेंगे महीनों भर के लिए, वो भी बिना फ्रीज के, तो चलिए देख लेते हैं। स्टोव के मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में अब मैं एक कटोरी के करीब नमक डाल लेती हूँ और नमक हमें हल्का सा गर्म कर लेना है। नमक गर्म होते ही हमें यहाँ पर बादाम डाल लेना है। अब बादाम को हमें 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हल्का सा नमक में भून लेना है। 2 मिनट हो चुका है मीडियम टू लो फ्लेम पर, मैंने बादाम को नमक में हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम इसे छलनी से अच्छी तरह से छान कर निकाल लेते हैं। सारे नमक को हमें छान कर बादाम को हटा लेना है। तो इसी तरह से हम काजू को भी नमक में हल्का सा गर्म कर लेते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर। 2 मिनट के लिए हमें नमक में काजू को हल्का सा गर्म कर लेना है, उसके बाद हम उसी तरह से इसे नमक से छान कर प्लेट पर निकालेंगे। तो 2 मिनट हो चुका है, तो चलिए इसे अब हम छान कर निकाल लेते हैं नमक से। काजू और बादाम हल्का सा ठंडा हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे कंटेनर में रख लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 एयरटाइट कंटेनर ली है। अब हम पहले बादाम रख लेते हैं। इस कंटेनर में हमें 4 लौंग डालना है। अब हम बादाम इस कंटेनर में रख लेते हैं। अगर हम इस तरह से रखते हैं तो हमारा बादाम बहुत दिनों तक रहेगा, महीनों भर के लिए ख़राब नहीं होगा, ना तो इसमें चींटी और ना ही कीड़े लगेंगे। तो इसी तरह से हम काजू को भी स्टोर कर लेते हैं। लौंग और नमक की वजह से हमारा काजू और बादाम बहुत दिनों तक स्टोर होके रहेगा। अगर आपको लगता है काजू और बादाम जो है थोड़ा सा नमक लगेगा खाने में, तो अगर आप मीठा कुछ बनाना चाहते हैं, काजू और बादाम डालना चाहते हैं, तो उसे पानी से, हल्के पानी से धो लें, उस पर नमक की टेस्ट नहीं आएगी और ना ही लौंग की खुशबू। तो इसी तरह से आप बादाम और काजू को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम फ्रीज में इस तरह से कंटेनर रखते हैं तो बहुत ही स्पेस ले लेता है, तो इसलिए आप बिना फ्रीज के भी बाहर इसे स्टोर कर सकते हैं महीनों भर के लिए, ख़राब नहीं होगा। बस महीने महीने में कभी आप, हमने जो लौंग डाला है 4, उस लौंग को बाहर निकाल कर फिर दोबारा फ्रेश लौंग आप डाल लें। तो इसी तरह से आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।